हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलेश एंड स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, अगर आप क्लास 10th में हो तो ये वीडियो अंत तक देखना। इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन जो हर साल आते हैं, निश्चित हैं, उनको इंक्लूड किया है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए, आपको क्या क्या याद करना है हिंदी में, अगर आप हिंदी का पेपर अपना, ठीक है, 60% प्लस लाना चाहते हैं तो। ठीक, मैं बता दूं कि सबसे पहले देखिए, जो हिंदी होगी आप लोग की 70 मार्क की होगी, जो थ्योरी होगी आपका एग्जाम, ठीक है, और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। तो 30 नंबर तो छोड़िए, वो प्रैक्टिकल आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो 70 मार्क का होगा। तो 70 मार्क में आप कितना ला लेते हैं वो आप पर निर्भर करता है। तो चलिए, कुछ क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ जो निश्चित है, हर साल आते हैं। लेकिन उससे पहले कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि हर विषय में, हर सब्जेक्ट में आप बहुविकल्पीय प्रश्न को कम मत समझिएगा, और जो एक एक नंबर के, दो दो नंबर के प्रश्न हैं, क्योंकि यही आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क लाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं कि लड़के एक एक दो दो नंबर के जो प्रश्न होते हैं उनको नहीं करते हैं, पहले जो 6 नंबर का, 7 नंबर का प्रश्न होता है उसी पर लग जाते हैं करने के लिए, और उस पर अपना काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं, और इस तरह उनको अंत में टाइम ही नहीं मिलता। ठीक, तो पहले मैं सजेशन आपको दूंगा कि जो एक एक दो दो नंबर के हैं उससे अच्छे से आप लोग शुरू से, मतलब एकदम शुरू से पेपर शुरू से अंत तक करते जाइए। ठीक है, तो देखिए, जो शुरू शुरू में क्या होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है, जो शुरू शुरू के प्रश्न एक दो, एक एक नंबर और दो दो नंबर के आते हैं, उन्हें क्लियर कर लेना। यानी देखिए, जो शुरू शुरू में आपके, देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर या आप कोई भी गाइड लिए होंगे, उसमें जो शुरू शुरू में प्रश्न होते हैं, या जैसे रीतिकाल की विशेषताएं लिखिए, दो विशेषताएं लिखिए, या इसकी रचना के लेखक का नाम, इस तरह होता है ना शुरू शुरू में बहुविकल्पीय टाइप का प्रश्न, पूरा उसमें क्लियर कर लीजिएगा सब। ओके, तो चलिए अगला चलते हैं। अगला आपका निश्चित है जीवन परिचय। जीवन परिचय यार हर साल ये तो निश्चित है कि आता है, और कुछ लोगों का मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आप लोग गद्य साइड में मेरे अनुसार तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर, इन तीनों लोगों का क्लियर कर लोगे तो मैं कुछ 100% एकदम गारंटी देता हूं कि तीनों में से किसी न किसी का आराम से फंस जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि इनके अलावा अगर किसी दूसरे लोगों का आप लोग याद किए हो तो वो नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन ये निश्चित है कि तीनों में से किसी न किसी का फंस ही जाएगा। और उसी उसी तरह आप लोगों का पद्य में एक महादेवी वर्मा का और बिहारी लाल का याद कर लीजिएगा, और उसके अलावा जो आपको महत्वपूर्ण लगता है, ठीक है, जाता है, चाहे वो तुलसीदास हो गए, कबीरदास, मतलब जो भी हो गए आपको महत्वपूर्ण लगता है आप याद कर लीजिएगा। मैं अपने अनुसार ये बता रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं। उसके आगे व्याकरण में हम देख लेते हैं। देखिए, व्याकरण में मैं बता दूँ कि अलंकार, देखिए अलंकार केवल आप में यही तीन आते हैं, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, रूपक अलंकार, ये इन्हीं तीन अलंकार के अलावा आप लोगों में, मतलब अलग से अलंकार नहीं आता है, इन्हीं तीनों में से कोई दो आता है, और दो आता है तो में भी अथवा कोई एक ही लिखना होता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी इसको इसको साथ ले लेता है, ऐसे क्वेश्चन कहता है कि उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्ष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लीजिए, मतलब दोनों में से किसी एक को लिखना है, या कभी कभी इसको इसको ले लेता है कि उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए या लिखिए, तो दोनों में से यानी एक को, यानी एक को इस तरह दो ले लेता है, किसी को एक साथ धरकर और एक ही करना होता है। तो अगर आप इनमें से दो का भी क्लियर कर लेते हो तो एक तो फंस ही जाएगा, बात को समझ रहे ना। ओके, तो आप तीनों क्लियर कर लीजिएगा, ठीक रहेगा। तो चलिए चलते हैं। और इसका उदाहरण, यार उदाहरण एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि उदाहरण मैं बता दूं कि एग्जांपल इसका एग्जाम में मतलब भूल जाता है, तो काफी गड़बड़ होती है, आप लोग याद कर लीजिएगा। और उसी प्रकार देखिए, छंद में देखिए तो रोला सोठा, तो आप रोला और सोठा में से ये कहेगा कि रोला अथवा सोठा, दोनों में से कोई एक लिखना होता है। तो देखिए, तो आप लोग जो भी आप लोगों को याद हो आप लोग याद कर लीजिएगा, या दोनों याद कर लीजिएगा तो और बेटर है। और उसी प्रकार आगे देखते हैं रस। तो रस में मैं बता दूं कि हास्य रस और करुण रस, यही दो रस आएंगे। रस तो ऐसे पढ़ेंगे तो काफी सारे रस से आप पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाओगे, लेकिन हास्य रस और करुण रस यही दो आप लोगों के एग्जाम में आते हैं, इन्हीं दो में से, और वो भी अथवा कहते हैं कि हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, मतलब दोनों में से कोई एक लिखना होता है। अगर
आपको एक याद है और एक याद भी नहीं है तो भी काम आपका चल जाएगा। ठीक है, बात को समझिए। ओके, आगे चलते हैं। अगला देख लीजिए आप, ये दो दो, एक एक, दो दो, तीन तीन नंबर के ऐसे प्रश्न होते हैं। संधि, तत्सम, तद्भव शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये जो आते हैं एक एक दो दो नंबर के, आप लोग या शायद लट लकार भी आते हैं ना, मुझे क्लियर नहीं है कि लट लकार भी आता है, मतलब जो भी हो तो इन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। और संधि, तत्सम, तद्भव शब्द, पर्यायवाची शब्द ये तो आएंगे ही आएंगे। तो उसके अलावा चलिए आगे और देखते हैं। तो चलिए आगे, मैं आप लोग के हिंदी में ही मैं बता दूं कि हिंदी के पीछे एक संस्कृत होती है। ठीक है, तो उसे हम संस्कृत परिचायिका बोलते हैं, आप लोग जो भी बोले। ठीक, तो हिंदी के पीछे भाग वाले में, मतलब हिंदी का तीन भाग होता है, मैं शुरू से ही कहते आ रहा हूँ, गद्य, पद्य और आप लोग का हिंदी संस्कृत, मतलब जो हिंदी के ही पीछे होता है वो संस्कृत। ठीक, तो चलिए उसमें से क्या आता है कि एक श्लोक आता है, ये श्लोक निश्चित है कि हर साल आएगा। ठीक है, तो ये दो नंबर का श्लोक आता है, तो आप लोग उस जो पीछे संस्कृत है उसमें से दो ठे श्लोक याद कर लीजिएगा। श्लोक निश्चित है कि आप लोग का दो नंबर का आएगा ही आएगा। ठीक, उसी प्रकार देखिए इसमें भी, मतलब इसके कुछ प्रश्न होंगे, इसमें भी मतलब पाँच ठे प्रश्न देते हैं और पाँचों में से मतलब किसी दो का उत्तर लिखना होता है। तो आप पीछे कुछ मतलब इसके प्रश्नोत्तर होंगे, कुछ लेसन पाँच छः होंगे, उनके प्रश्नोत्तर आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आसान होता है, जैसे मान लीजिए पाँच, जैसे पाँच क्वेश्चन पूछता है, ठीक, पाँचों में से किसी दो का उत्तर लिखना होता है, तो आप आसानी से मान लीजिए पाँच है आपके पास, ऑप्शन दो ही का लिखना है उत्तर, तो किसी मान लीजिए पाँच में से तो दो आपको आराम से आ जाएगा, तो आप दोहरा लीजिएगा संस्कृत के पीछे, और एक इसका मतलब शायद व्याख्या भी करने का को आता है तो देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद देखिए खंड काव्य, खंड काव्य मैं बता दूं कि देखिए आप लोग के पास जो भी सीरीज होगी, विद्या अवतार, मास्टरमाइंड, जो भी सीरीज होगी उसके पीछे आप लोग देखोगे खंड काव्य वाला भाग निकाल कर, तो कोई खंड काव्य होगा, जैसे मान लो ये मुक्ति दूत खंड काव्य है, तो उसके इस तरह नीचे या ऊपर लिखा रहेगा कि बलियां, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर, वाराणसी आदि जिलों के लिए निर्धारित। तो यानी जो जिला आपके क्या है कि जिस खंड काव्य के थ्रू आपका जिला आए उसी जिले का आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, जैसे दूसरे जिला का भी आता है लेकिन जिस खंड काव्य में आपका जिला होता है वो निश्चित होता है कि आएगा, तो जिस जिले के थ्रू आपका जो खंड काव्य है उसे ही याद कीजिएगा। तो आई होप आप मेरी बातें अच्छी से समझ गए होंगे। तो यही थे कुछ क्वेश्चन जो हिंदी में निश्चित होते हैं, तो मैं आपको बता दिया। तो फाइनली बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो थैंक यू गाइज।